चुनावी बांड पर हुई ताजा सुनवाई में आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि उसने एसबीआई से चुनावी बांड संबंधित सभी जानकारी का खुलासा करने को कहा था, जिसमें चुनावी बांड के नंबर भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को चुनिंदा जानकारी का खुलासा नहीं करना चाहिए। एसबीआई को हलफनामा भी दाखिल करने को कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को एक हलफनामा दाखिल करने को बोला है, जिसमें ये कहा गया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट से कोई भी सच्चाई नहीं छिपाई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह एसबीआई से चुनावी बांड नंबरों खुलासा करने के लिए कहेगा। कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च यानी गुरुवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है, जिसमें एसबीआई को यह बताना होगा कि एसबीआई ने सारी जानकारी का खुलासा कर दिया है। इसी के साथ जो भी बॉन्ड के पैसे निकाल लिए गए हैं उनके अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर भी बताने होंगे। सुनवाई के दौरान एसबीआई ने कहा कि वह अपने पास मौजूद हर जानकारी शीर्ष कोर्ट को देगा, और बैंक ने यह भी कहा है कि उसने अब तक अपने पास मौजूद किसी भी जानकारी को छिपाकर नहीं रखा है। इसका मतलब भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद एसबीआई अपने तरफ से हर संभव कोशिश कर रहा है कि कोर्ट उससे नाराज ना हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जो यूनिक कोड नंबर है वही बताना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि आपको चुनावी बॉन्ड पर यूनिक नंबर भी बताने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को केवल हमने आदेश पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसके अलावा एसबीआई को खुद अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे। कोर्ट ने इसी के साथ कहा है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर इस जानकारी को अपलोड कर दे। आपको बता दें इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या कहा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि चुनावी बॉन्ड का अंतिम उद्देश्य काले धन पर अंकुश लगाना था। शीर्ष अदालत को पता होना चाहिए कि इस फैसले को अदालत के बाहर कैसे रखा जा रहा है। तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के समक्ष मौजूद लोगों ने प्रेस साक्षात्कार देना शुरू कर दिया और जानबूझकर अदालत को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इसको लेकर इस सॉलिसिटर जनरल ने कहा इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी गलत पोस्ट शुरू हो गए हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में कुछ निर्देश जारी करने पर भी विचार करने को कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसबीआई ने जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा विवरण जारी किया है, तब से सोशल मीडिया पर इसको लेकर तरह तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर शुरू हो गया है। पार्टियों का कहना है कि सत्ता सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और ज्यादा से ज्यादा चंदा अर्जित करने में भी अपने आप को योग्य बनाया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद एसबीआई क्या करता है और इलेक्टोरल बॉन्ड का यह जो भूत भारतीय राजनीति में आया है वह कहाँ जाकर थमता है।